तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही कमाल का एक अपडेट आया है, या बोल सकते हैं कमाल का एक नया फीचर एड ऑन किया गया है प्ले स्टोर के अंदर, जो कि बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। अगर आप प्ले स्टोर यूज करते हैं या फिर बोल सकते हैं अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं तो प्ले स्टोर तो 100% यूज करते होंगे। तो प्ले स्टोर का ये वाला जो फीचर है बहुत ही काम का फीचर है, जो अभी फिलहाल नया एड ऑन किया गया है गूगल प्ले स्टोर के अंदर। क्या ये नया फीचर है, कहाँ यूज करेंगे, क्या उसका फायदा है, क्या डिस फायदा है, सब आपको आगे बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मुझे व्हाट्सएप पे भी फॉलो कर लो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर लेना। चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, आपको बताने वाला हूँ प्ले स्टोर के नए अपडेट के और नए फीचर के बारे में। तो उसके लिए ले जा रहा हूं मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको जाना है पहले यहाँ पर, यहाँ जाने के बाद जाना है सेटिंग्स पे और यहाँ अपडेट्स में चले जाना है। अपडेट्स में अगर आप देखेंगे, अगर आपके पास पहले तो अपडेट पे क्लिक करके देख लो, अगर अपडेट में कुछ पेंडिंग है तो उसको अपडेट कर लो। और मेरे पास जो लेटेस्ट वर्जन है 37.7.19/29, ये वर्जन मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जाना है अपने प्रोफाइल में एंड देन यहाँ पर चले जाना है सेटिंग्स पे। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको सबसे ऊपर जाना है जनरल वाले ऑप्शन पे। जनरल वाले ऑप्शन में जाने के बाद आप देखेंगे आपको एक नया ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा होगा, ऑटोमेटिकली अक्राइव्स एप्स करके आपको दिख रहा होगा, ऑटोमेटिकली अक्राइव्स ऐप करके आपको मिल रहा होगा। ये पहला ऑप्शन नहीं आता था, अभी ही यहाँ पर लेटेस्ट एड ऑन किया गया है। तो अब इस फीचर का काम क्या है, एप्स दैट यू आर रेयरली विल बी अक्राइव्ड व्हेन योर स्टोरेज इज रन रो। मतलब कि अगर जोन सी ऐप आप रेयरली मतलब बहुत कम या कभी कभार यूज करते हैं, उस ऐप्स को वो अक्राइव कर देगा जब आपके मोबाइल की स्टोरेज लो होगी। अगर आपको और अच्छे से समझना है तो यहाँ पर भी क्लिक करके यहाँ पर लर्न मोर पे क्लिक करेंगे तो एक पेज खुल जाएगा। अब इसका काम क्या है, आप देख सकते हैं इसका काम यह है, योर डिवाइस विल या डिवाइस कैन ऑटोमेटिकली अक्राइव एप्स दैट यू डो नॉट यूज ऑफ्टन टू फ्री अप स्पेस फॉर न्यू ऐप। When this setting is on, the app that you don't often use will be removed, but your personal data on this app will be saved. The app icon will be remain on your device. You will able to download the app again as long as it is available on Google Play. If you try to install an app but do not have enough space, you are notified to automatically archive app to set how device automatically archive apps. तो दोस्तों इस फीचर का काम ये है, मैंने पढ़ तो पहले लिया था, आपके सामने इसलिए पढ़ा था कि आपको भी पता लगे। इसका काम ये है, जैसे ही मैंने इसको ऑन कर दिया, ऑन करने के बाद अगर मेरे मोबाइल में स्टोरेज नहीं है और अगर मैं कोई ऐप डाउनलोड करने की कोशिश करता हूँ तो वो आपको एरर दे देगा कि भैया आपके पास स्टोरेज नहीं है। तो आपकी ये वाली जो कुछ ऐप्स आपको सजेशन में दे देगा कि ये ऐप्स जिनको आप रेयरली यूज़ करते हैं, इनको क्या मैं अक्राइव कर दूँ। अगर आप उसको ओके कर देंगे तो अक्राइव हो जाएगी और आपकी ऐप नहीं डाउनलोड हो जाएगी। नई ऐप तो डाउनलोड हो गई, जो अक्राइव्ड ऐप होंगी उसका क्या होगा, उसका ऐसा रहेगा आपका जो उसके अंदर डेटा है, मान लो लाइक इंस्टाग्राम है या फिर कोई ऐसी ऐप है जिसमें आपका अकाउंट बना हुआ है और कुछ थोड़ा बड़ा डेटा आपका सेव हो जाता है, जैसे व्हाट्सअप हुआ, व्हाट्सअप पे चैट्स होती है, ऐसे ही कोई भी ऐप में अगर आपका कोई डेटा है तो वो आपका डिलीट नहीं होगा, ऐप अनइंस्टॉल हो जाएगी, बट वो ऐप है ना अंदर से अनइंस्टॉल हो जाएगी और उसका आइकन जो आपके ऐप्स में आइकन्स दिखते हैं ना, आइकन आपको दिखता ही रहेगा। जैसे मान लो ये ऐप है, वो आइकन आपको दिखता ही रहेगा कि ऐप तो इंस्टॉल्ड है, बट जैसे ही आप उस ऐप पे क्लिक करेंगे वो ऐप फिर इंटरनली डाउनलोड होगा गूगल प्ले स्टोर से, प्ले स्टोर से डाउनलोड होगा, फिर आपकी उसी कंडीशन में आ जाएगा जहां आपने उसको छोड़ा था या जहां पर आपने लास्ट उसको यूज करा था। तो इस तरीके से वाला ऐप काम करेगा, आपका डेटा वहीं का वहीं रहेगा, आपका जो भी चीज है वहीं रहेगी और वो दोबारा से आपके मोबाइल में आ जाएगा, जिससे आपकी स्पेस भी बच जाएगी, दूसरी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरीके से वाला फीचर काम करने वाला है, जैसा कि यहाँ पर साफ साफ दिस आइकन विल बी रिमेन ऑन योर डिवाइस, यू विल एबल टू डाउनलोड द ऐप अगेन एज लॉन्ग फ्री व्हेन द सेटिंग इज ऑन, द ऐप दैट यू डोंट ऑफ्टन यूज विल बी रिमूव्ड बट योर पर्सनल डाटा ऑन द इज एल विल बी सेव, द ऐप आइकन विल रिमेन ऑन योर डिवाइस, यू विल एबल टू डाउनलोड द ऐप अगेन एज लॉन्ग एन इज विट्स अगेन। आप जब आप इसको एक बार यूज करेंगे तो आपको डेफिनेटली मजा आएगा। मैं उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, ऐसी नई अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।
दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और कमेंट जरूर करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर डिसलाइक भी है, अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करें और मुझे कमेंट करें तब भी बताएं आपको क्या इस वीडियो में बेकार लगा। और सबसे ज़रूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, व्हाट्सअप का चैनल को भी फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लो, फेसबुक को भी फॉलो कर लो, हो सके तो मुझे भी कमेंट करके बता दे यार भाई आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। तो थैंक यू सो मच।